हेलो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को प्रश्नावली 304 के पहले नंबर के सब सवाल बताए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? जैसे कि फर्स्ट नंबर है x प्लस वाई इक्वल फाइव और 2x-3y इक्वल फोर। तो इसको जो है, इस समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को बताया जा चुका है। प्रतिस्थापन विधि में किस तरह हल किया जाता है कि जो दो समीकरण दिए रहते हैं, इन दोनों समीकरणों में एक समीकरण के एक चर पद का मान निकाल लेते हैं दूसरे चर पद के रूप में, फिर उसी चर पद का दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं और फिर उसको हल करते हैं, फिर जो है हमको चर पद के मान प्राप्त हो जाते हैं। ये है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है कि दो समीकरण दिए रहेंगे, उन दोनों समीकरणों में एक चर पद के गुणांक बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए जितना हमको जरूरत है उतने का हम गुणा करा देंगे। चलिए देखते हैं करके। तो जैसे पहला नंबर है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x-3y बराबर 4। तो विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने पर, तो उतार लीजिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण एक, 2x-3y इक्वल 4, समीकरण दो। गुणांक बराबर करना है, तो गुणांक बराबर करने के लिए चाहे x से गुणांक बराबर कर लीजिए और चाहे y के गुणांक बराबर कर लीजिए। तो x से गुणांक बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ x के साथ किस संख्या गुणा है, 2 का, और इसमें x के साथ किस संख्या गुणा है, 1 का, जो कि छिपा हुआ है। 1 किसमें छिपा हुआ है? तो समीकरण एक में यदि हम 2 का गुणा करा दें तो इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे, और इसमें गुणा कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2 है तो 2 ही रहेगा। ये हमको 2 करना है, 2 का गुणा, 2 का इसमें हम गुणा कराते हैं बस। और करा करके क्या किया जाए, समीकरण इन दोनों को काटना भी है, चर पद को काटना भी है। तो चर पद कैसे कटेंगे, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे अर्थात घटाने पर, तो गुणा करा करके फिर घटा दे। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 का गुणा कराने पर, करा दीजिए गुणा करा दीजिए 2 का, 2 का एक्स में कराएंगे 2x, 2 का वाई में कराएंगे 2y और 2 का 5 में कराएंगे तो 2 5 10, समीकरण 3 मान लीजिए इसे। समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, आप समीकरण 3 से समीकरण 2 को भी घटा सकते हैं, मतलब किसी से भी आप घटा सकते हैं, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए। तो समीकरण 2 को उतार लेंगे हम, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 3 को उतार लेंगे और समीकरण 2 को उतार लेंगे इसी के नीचे। घटाने का मतलब चिन्ह बदल देंगे, प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस और प्लस का उल्टा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, इसके पहले प्लस चिन्ह छिपा है। तो 2x 2x प्लस माइनस के हो गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर, मतलब प्लस माइनस के हैं दोनों कट जाएंगे। अब इन दोनों चिन्ह देखिए, प्लस प्लस के हैं, ये चिन्ह नहीं माना जाएगा बीच वाला, तो 2 में 3 जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है। तो 2 3 5y और ये 10 4, दोनों के चिन्ह देखिए अलग अलग हैं, प्लस का ये माइनस का है, तो घटेंगे तो 10 से 4 घटाएंगे 6, तो y बराबर कितना आ गया, 5/5 चला जाएगा, तो 6/5। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए,
ये आप इसके मान रखने के लिए आप लोग स्वच्छंद है। तो समीकरण एक देख रहे हैं छोटा रूप है, इसमें रख लिया जाए जल्दी हल हो जाएगा। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक उतार लीजिए x प्लस वाई बराबर पांच, x प्लस वाई तो y का मान कितना दिया छह बटा पांच, तो रख दीजिए तो x की जगह x और इसकी जगह छह बटा पांच बराबर पांच। ये छह बटा पांच उधर भेज दीजिए तो माइनस चला जाएगा, तो पांच माइनस छह बटा पांच लासा ले लीजिए, पांच एक का लासा पांच, एक का पांच भाग देंगे पांच आएगा, गुणा कराएंगे पांच पचास पच्चीस, भी पांच पांच भाग देंगे एक आएगा, गुणा कराएंगे छह का नम छह, तो पच्चीस से छह घटाएंगे उन्नीस बटा पांच, तो लिखेंगे अतः एक्स बराबर उन्नीस बटा पांच और वाई बराबर छह बटा पांच। ये है, ये हल हो चुका है, ये है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में आप लोग ध्यान दीजिएगा, केवल एक बात को ध्यान देना है कि जो समीकरण दिए रहेंगे उनके एक चर पद का गुणांक बराबर कर लेना है, ये देखना है यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे, कट जाए मतलब काटना है, जब चिन्ह बराबर रहेंगे तो घटाया जाएगा और चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो फिर हमें जोड़ना होगा, घटाएंगे नहीं तो समान चिन्ह हो जाएंगे फिर जो कि प्रॉब्लम करेंगे। जैसे कि मान लो अगर हम इसका गुणांक बराबर करते हैं वाई के गुणांक, तो तीन का गुणा करा देते हैं तो तीन वाई माइनस में तीन वाई प्लस में, तो इस कंडीशन में भी घटाते नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हमको इनको काटना है, तो काटने में देख रहे हैं अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने में ही कट जाएंगे। और इनको अगर हम बराबर ले रहे हैं तो अगर इनको दोनों के गुणांक बराबर कर रहे हैं तो इसके जो गुणांक है इसके गुणांक बराबर होने के चिन्ह अलग मतलब समान रहेंगे, चिन्ह समान होने की वजह से जोड़ने में तो जुड़ जाएंगे, इसलिए इसको घटाया जाएगा। अब आते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो उतार लीजिए x प्लस वाई बराबर पाँच, समीकरण एक, दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर चार, समीकरण दो, समीकरण एक से तो एक्स प्लस वाई बराबर पाँच, तो एक्स बराबर पाँच माइनस वाई, समीकरण तीन, समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण दो में इसको रखना, समीकरण दो उतार लीजिए, दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर चार, तो दो एक्स का मान है पाँच माइनस वाई, तो रख लीजिए पाँच माइनस वाई कोष्ठक के अंदर रखेंगे क्योंकि दो पद हैं, दो का गुणा कराएंगे अंदर इसलिए, और तीन वाई बराबर चार, दो का गुणा करा दीजिए, दो का पाँच कराएंगे दो पंजे दस, दो का वाई कराएंगे तो दो वाई माइनस का तीन वाई बराबर चार, दस उधर भेज दीजिए दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के हैं, तो माइनस का पाँच वाई, दो में तीन जोड़ेंगे पाँच, पाँच वाई और बराबर चार माइनस दस, तो माइनस पाँच वाई बराबर माइनस का छः आ जाएगा, दस से चार घटा देंगे तो माइनस का छः, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर छः बटा पाँच आ गया। अब वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन रखिए तो पहले उतार दीजिए एक्स बराबर पाँच माइनस वाई, तो एक्स बराबर पाँच माइनस छः बटा पाँच, तो लासा ले लीजिए बटा एक मान करके, पाँच एक का लासा पाँच, एक का पाँच भाग देंगे पाँच आएगा, गुणा कराएंगे पचास पच्चीस, अंश में गुणा हो जाएगा पाँच का, और फिर पाँच पाँच भाग देंगे एक आएगा, गुणा कराएंगे छः का एक में, तो छः का नम छः, पच्चीस से छः घटाएंगे कितना आएगा उन्नीस, अतः एक्स बराबर उन्नीस बटा पाँच और वाई बराबर छः बटा पाँच। अब ये बताइए कि आप लोगों को कौन सी विधि उपयुक्त लगी, कौन सी विधि सरल लगी, तो आप लोग
प्रतिस्थापन विधि पहले से पढ़े हुए हैं तो इसलिए आपको ये सरल लग रही होगी, विलोपन विधि कठिन लग रही होगी। ऐसा नहीं है, विलोपन विधि ज़्यादा सरल है, उसमें जो है ज़्यादा मतलब पक्षांतर नहीं करना है, बस सीधे गुणा उनके जो चर पद के गुणांक बराबर कर लेना है, चिन्ह के साथ जोड़ घटा देना है। तो विलोपन विधि मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। तो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण एक, और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण दो। तो पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं, तो लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर तो 3x प्लस 4y बराबर एक बराबर 10 समीकरण एक, और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण दो। तो गुणांक बराबर किया जाए, गुणांक किसका बराबर किया जाए, x का कि y का? y का यदि करना चाहते हो तो यह 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें केवल 2 का गुणा करा दे तो 2 दूनी 4y, तो 4y पहले से, तो इसमें गुणा कराने की जरूरत नहीं है, इसमें गुणा करा देंगे 2 का, और दोनों के चिन्ह अलग हैं तो इसलिए जोड़ देंगे तो दोनों कट जाएंगे, ये वाले बचेंगे, हल हो जाएगा x का मान। यदि x का गुणांक बराबर करना चाहते हो तो इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है, तो इसमें 2 का गुणा कराएंगे, इसमें 3 का गुणा कराएंगे, और दोनों के चिन्ह समान है अतः इन्हें हम घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर इनको जहर दे करके आगे हल करेंगे, एक वाई का मान आ जाएगा। तो जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ जो है एक्स का गुणांक बराबर करने के लिए प्रक्रिया करता हूँ। तो समीकरण एक में 2 का गुणा और समीकरण दो में 3 का गुणा कराने पर, समीकरण एक में 2 का तथा समीकरण दो में 3 का गुणा कराने पर, 2 का कराइए, 2 3 6x, 2 4 8y, 2 10 20, समीकरण 3, इसमें 3 कराइए, 3 2 6x, 3 का कराएंगे 3 2 6y, 3 2 6, समीकरण 4, समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर समीकरण 3 से 4 को घटाने पर उतार लीजिए, समीकरण 3 6x + 8y बराबर 20, 6x - 6y बराबर 6, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, 6x प्लस माइनस हो गए, कैंसिल हो गए, 8 6 दोनों चिन्ह प्लस में है इसलिए जुड़ जाएंगे 14y, और 20 प्लस का 6 माइनस का है इसलिए भी घट जाएंगे अलग अलग चिन्ह के, तो 20 से 6 घटाएंगे 4, तो y बराबर कितना आ गया, 14/14, 14 14 काट देंगे, एक बार कट गया तो y बराबर 1, y का मान समीकरण चाहे 1 को रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, चाहे जिसमें मान हो उसमें रखो, तो समीकरण 1 को रख लिया जाए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लीजिए, तो 3x + 4y बराबर 10, y का मान 1 आया तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 3x + 4 बीच में गुणा चिन्ह होगा, 1 बराबर 10, तो 3x + 4 का नाम 4 बराबर 10, 4 भेज देंगे उधर, तो 3x बराबर 10 से 4 हटाएंगे, माइनस 4 चला जाएगा, तो 3x बराबर 10 से 4 घटाएंगे 6 आएगा, और बटा में चला जाएगा 3, तो 6/3, 3 से 6 काट
कट जाएगा तो तीन एक तीन तीन दो छः, तो x बराबर कितना आ गया दो। तो लिखेंगे आता है x बराबर दो y बराबर एक, नोट कर लीजिए। अब आगे प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, तो उतार लीजिए 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1, 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2, समीकरण 1 से तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3x बराबर 10 माइनस 4y, 4y भेज देंगे इधर तो माइनस चला जाएगा, तीन गुणा में है तो बटन चला जाएगा, तो 10 माइनस 4y बटा 3 समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, एक में रखिएगा जिसमें से हम इसको प्राप्त किए हैं उसी में मत रखिएगा, नहीं तो फिर चार पद गायब हो जाएंगे, कट जाएंगे सब। जिससे हम बनाएंगे x का मान निकालेंगे उस समीकरण हमको नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर x का मान रखने पर तो उतार लीजिए समीकरण दो को, तो 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2 कोष्ठक के अंदर 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2, 2 का गुणा करा दीजिए कोष्ठक के अंदर, कटना तो है नहीं है इसको, दो दाम 20, दो चौके 8, वाई बटा 3 माइनस 2y बराबर 2, इसका बटा एक मान के लाशा ले लीजिए, 3 एक का लाशा, 3 3 3 का भाग देंगे एक आएगा, गुणा कराएंगे एक का तो यही रहेगा 20 माइनस 8y, एक का 3 भाग देंगे 3 आएगा, गुणा कराएंगे 2y में तो 3 दो 6y बराबर 2, 3 गुणा चला जाएगा बटा में, तो 20 माइनस दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के 8 से 14y, और 2 का 3 में गुणा करा देंगे तो 20 को उधर भेजेंगे तो माइनस 14y और ये 3 दोनों 6 माइनस का 20 आ जाएगा, प्लस का उल्टा माइनस, तो माइनस 14y ये दोनों घटेंगे प्लस माइनस के हैं, तो 20 से 6 घटाएंगे 14, 20 से 6 घटाएंगे 14 और चिन्ह बड़ी संख्या माइनस के, तो मतलब माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 14 बटा 14 कट गया एक आ गया, y का मान एक आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण एक रखिए चाहे दो में रखिए, तो समीकरण एक रख लिया जाए, y का मान समीकरण एक में रखने पर बता दीजिए, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3x x का मान रख लीजिए, नहीं y का मान एक है तो y का मान रखिए, 4 गुणे ए वाई का मान एक बराबर 10, तो 3x प्लस 4 का मान 4 बराबर 10, तो 3x बराबर 10 से 4 घटेगा इधर आ गया, 4 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आएगा, और 3x बराबर 10 से 4 गए 6, तो x बराबर 6 ये बटम 3 चला आएगा, 3 एक कम 3 3 दूनी 6, तो x बराबर 2, अतः x बराबर 2 आया, y बराबर 1 आ गया आंसर। चलिए तीसरा देखते हैं, पहला का तीसरा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7, तो विलोपन विधि से हल करना है, तो पहले हम इसको मानक समीकरण के रूप में रख लें, ax प्लस by बराबर c के रूप में, तो ये जो माइनस 4 है अचर पद है उसको उस पार भेजेंगे,
तीन एक्स माइनस पांच वाई बराबर चार, समीकरण एक हो गया। विलोपन विधि से लगा रहे हैं, विलोपन विधि से हल करने पर ये वाला देखिए, दो वाई इधर ले लीजिए, माइनस का आ जाएगा, तो दो एक्स वो नौ एक्स माइनस दो वाई बराबर सात, समीकरण दो। अब विलोपन विधि में हमको चाहे एक्स का गुणांक बराबर करना है और चाहे वाई का गुणांक बराबर करना है। तो यदि हम एक्स का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो इसमें हम तीन का गुणा कराते हैं समीकरण एक में, और ये नौ एक्स हो जाएगा, और इसमें नौ एक्स बना हुआ है तो इसलिए इसमें हम गुणा नहीं कराएंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक में तीन का गुणा कराने पर, तो कर लीजिए तीन का गुणा, तो तीन तिया नौ एक्स, तीन पचे पंद्रह वाई, तीन चौके बारह, समीकरण तीन। तो नौ एक्स बराबर हो गए दो तीन के, घटा लेंगे समीकरण दो से तीन को, समीकरण दो से तीन को घटाने पर उतार लीजिए समीकरण दो, नौ एक्स माइनस दो वाई बराबर सात, समीकरण तीन उतार लीजिए, नौ एक्स माइनस पंद्रह वाई बराबर बारह, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, नौ एक्स प्लस माइनस के कट गए क्योंकि यहाँ प्लस छिपा हुआ है, पंद्रह वाई और दो वाई अलग अलग चिन्ह के हैं, दोनों घटेंगे तो पंद्रह वाई से दो वाई घटाएंगे कितना आएगा, तेरह वाई, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तेरह वाई बराबर बारह माइनस में है और सात प्लस में है, तो दोनों घटेंगे तो माइनस पाँच आएगा, बारह सात घटाएंगे पाँच और बड़ी संख्या माइनस के तो तेरह गुणा में है, तो ये बटम चला आएगा, तो माइनस पाँच बटा तेरह, माइनस पाँच बटा तेरह। अब वाई का मान समीकरण एक में चाहे दो चाहे तीन के जहाँ रखे हैं, तो वाई का मान समीकरण एक रखने पर समीकरण एक उतार लीजिए, तीन एक्स माइनस पाँच वाई बराबर चार, तो वाई का मान माइनस पाँच बटा तेरह तो रख लीजिए, तीन एक्स माइनस पाँच गुणे माइनस पाँच बटा तेरह बराबर चार, तो माइनस माइनस गुणा करा देंगे कितना आएगा, प्लस पन पचास पच्चीस बटा तेरह बराबर चार, पच्चीस बटा तेरह उधर भेज दीजिए, तो तीन एक्स बराबर चार माइनस चला जाएगा पच्चीस बटा तेरह, फिर तेरह एक कलासा ले लीजिए कितना आएगा, तेरह एक का तेरह भाग देंगे तेरह आएगा, तेरह का गुणा चार कराएंगे तेरह चौक बावन, तो बावन लिख देंगे, तेरह तेरह भाग देंगे एक आएगा, गुणा कराएंगे पच्चीस का एक में, पच्चीस से कन्नम पच्चीस, तीन एक्स, तो तीन एक्स बराबर दोनों घटाएंगे तो बारह से पाँच घटाएंगे सात और चार में दो घटाएंगे दो बटा तेरह, ये तीन बटा में ले जाएंगे, तीन गुणा में बटा में चला जाएगा तो सत्ताईस बटा तेरह गुणे तीन आ जाएगा, तीन से सत्ताईस कटेगा काट दीजिए, तीन एक कम तीन, तीन और सत्ताईस तो नौ बटा तेरह, अतः एक्स बराबर नौ बटा तेरह, वाई बराबर माइनस पाँच बटा तेरह, नोट कर लीजिए। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो उतारेंगे तीन एक्स माइनस पाँच वाई बराबर चार, समीकरण एक, और इसको इसी तरह लिखा रख दीजिए, नौ एक्स बराबर दो वाई प्लस सात, तो नौ बटम ले जाइए तो दो वाई प्लस सात बटा नौ, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू वाई के रूप में हमको चाहिए थी तो इसलिए हमने वाई दो वाई के साथ नहीं लिया, क्योंकि वैसे भी हमको पक्षांतर ही करना है,
ये उसी तरह लिखा रहेगा, या जो दो ये जो नौ गुणा में है या नौ बटम ले जाएंगे तो x की वैल्यू y के पदों में हमको मिल गई। ये हो गया समीकरण तीन। इसको समीकरण दो मान लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण दो से हम इसको प्राप्त किए हैं तो समीकरण एक रखेंगे। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर तो समीकरण तीन उतार लीजिए, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3 कोष्टक के अंदर 2y प्लस 7 बटा 9 माइनस 5y बराबर 4। 3 से 9 कटेगा, काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दिया 9, तो कितना बचा 2y प्लस 7 बटा 3 और माइनस 5y बराबर 4। इसका बटा एक मान करके लासा ले लीजिए, 3 एक का लासा कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का 3 भाग देंगे 1 आएगा, गुणा कराएंगे 1 का 2y प्लस 7 ही रहेगा, 2y का 1 कराएंगे 2y और 7 का 1 कराएंगे 7 का 9 7, और फिर 1 का 3 भाग कराएंगे तो 3 आएगा, अंश में गुणा कराएंगे तो माइनस है तो माइनस उतार देंगे, और अंश में 3 का गुणा कराएंगे 3 बचे 15y बराबर 4। ये 3 गुणा चला जाएगा 4 के साथ, 3 को भेजेंगे उधर 4 की तरफ तो गुणा चला जाएगा, तो 2y ये 15y 2y दोनों घटेंगे प्लस माइनस के हैं, तो माइनस का 13y आएगा और प्लस का 7 बराबर 4 गुणे 3। भाई 15y माइनस में है, 2y प्लस में है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, घटेंगे 15 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 13, और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस के माइनस उतार लिए, माइनस 13y, और ये प्लस का 7 बचा हुआ है और ये 3 गुणा में चला गया 4 के साथ, तो माइनस 13y 7 उधर भेजेंगे, ये हल होगा कितना है 12, प्लस का है तो माइनस 7 आ जाएगा इधर, तो माइनस 13y बराबर दोनों घटेंगे 5, तो y बराबर 5 बटा माइनस 13। y का मान समीकरण 3 रखिए चाहे 1 रखिए चाहे 2 रखिए, तो समीकरण 1 रख लिया जाए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार लीजिए, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5 गुणे 5 बटा माइनस 13 बराबर 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा ये, तो 3x अपन 25 और बटा 13 बराबर 4, तो 25 बटा 13 चार तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13, लासा ले लीजिए बटा एक मान करके, 13 एक का लासा 13, 13 एक का 13 भाग देंगे 13 आएगा, गुणा कराएंगे 4 में 13 चौके 52, 13 13 भाग देंगे 1 आएगा, गुणा कराएंगे 25 एक अन्दम 25, तो 3x, तो 3x बराबर 52 से 25 घटाएंगे तो 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2 बटा 13, 27 आ जाएगा 25 से, वो 52 से 25 घटाएंगे 27, 3 गुणा में है तो बटम ले जाइए, तो 27 बटा 13 गुणा में 3, 3 से 27 कटेगा, 3 एक कम 3, 3 नौ में 27, तो x बराबर 9 बटा 13, तो लिखेंगे अतः x बराबर 9 बटा 13, y बराबर माइनस 5 बटा 13। आंसर चौथा नंबर देखिए, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस y बटा 3 बराबर 3, ये भिन्न के रूप में है, इसको हम लासा लेकर के हल करते हैं।
तो लासा लेंगे, दो तीन का लासा, छः दो का छः में भाग देंगे, दो त्याई छः तीन दो हम कटेगा, तीन का गुणा कराएंगे, तीन एक्स हो जाएगा, तीन का छः में भाग देंगे दो आएगा, दो का दो वाई में गुणा कराएंगे, दो दूनी चार वाई हो जाएगा, और माइनस एक छः भेज देंगे उधर, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस छः, समीकरण एक हो गया। एक्स माइनस वाई बटा तीन बराबर तीन दिए है, बटा एक वहाँ क्लासा लीजिए, तीन एक क्लासा तीन आएगा, एक का तीन भाग देंगे तीन आएगा, गुणा कराएंगे तीन एक्स, तीन तीन में भाग कराएंगे एक आएगा, गुणा कराएंगे वाई एक कम वाई, ये तीन भेज देंगे उधर, तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन गुणे तीन, ये तीन दिया नौ, तो तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ, समीकरण दो। अब लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है, कोई चर पद का गुणांक बराबर किया जाता है, तो इसमें जो समीकरण दिए हैं एक और दो, इसमें एक चर पद का गुणांक बराबर है, देखिए एक्स का गुणांक तीन, एक्स का गुणांक तीन, जब गुणांक बराबर हैं तो हमको गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम इनके चिन्ह के हिसाब से जोड़ घटा लेंगे, तो तीन एक्स प्लस का है तीन एक्स माइनस का है, और तीन एक्स प्लस का है तीन एक्स प्लस का है, दोनों के चिन्ह समान हैं तो घटा दिया जाए तो दोनों कट जाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक पाल लीजिए, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस छः, समीकरण दो उतार लीजिए, तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ, चिन्ह बदलेंगे घटाने पर चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, तीन एक्स प्लस माइनस के हो गए कट गए, ये दोनों के चिन्ह समान हैं तो जुड़ जाएंगे, तो हम चार वाई में वाई जोड़ेंगे तो पाँच वाई, क्योंकि एक वाई है चार है पाँच, पाँच वाई, और ये दोनों के चिन्ह सेम हैं तो जुड़ जाएंगे, तो पंद्रह आएगा नौ छः पंद्रह, और चिन्ह माइनस का ही आएगा, माइनस की संख्या जोड़ने पर माइनस ही आप उत्तर रखिएगा, प्लस न करिएगा, क्योंकि गुणा कराने में माइनस माइनस प्लस होता है, ना कि जोड़ने में माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ने में माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, केवल जोड़ने में जोड़ देंगे फिर माइनस का ही चिन्ह लगाना है, तो पाँच बटन चला जाएगा, तो माइनस पंद्रह बटा पाँच, पाँच से पंद्रह काट दीजिए, पाँच एक नौ पाँच, पाँच से पंद्रह, तो वाई बराबर माइनस तीन आ गया, वाई का मान समीकरण दो में रखिए चाहे एक रखिए, तो समीकरण एक थोड़ा बड़ा रूप है, समीकरण दो छोटा रूप है, इसमें रख लिया जाए, तो समीकरण दो में वाई का मान रखने पर, तो समीकरण दो उतार लीजिए, तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ, तीन एक्स माइनस माइनस तीन आएगा, वाई का मान माइनस तीन, और ये माइनस जो सवाल दिए है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तीन तीन भेज दीजिए उधर तो माइनस का चला जाएगा तीन, तो तीन एक्स बराबर नौ माइनस तीन हो गया, नौ से तीन घटाइए कितना आएगा छः, तीन बटन चला जाएगा छः बटा तीन, तीन एक कम तीन, तीन दो छः, तीन से छः कटेगा दो बार में, तो एक्स बराबर दो, अतः एक्स बराबर दो वाई बराबर माइनस तीन, नोट कर लीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण एक समीकरण दो बना हुआ है, तो समीकरण एक से डाल लीजिए, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस छः, और तीन एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस छः, माइनस का चार वाई, माइनस प्लस का चार वाई, अच्छांतर कर दीजिए उधर, तो माइनस का चार वाई हो जाएगा, और फिर ये तीन गुणा में बटन चला जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस छः माइनस चार वाई बटा तीन, समीकरण तीन। तो समीकरण दो में
एक्स का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण एक से प्राप्त किए हैं तो समीकरण दो में इसको रखेंगे, एक्स का मान लिखेंगे समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण दो उतार लीजिए, तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ, तो तीन कोष्ठक के अंदर एक्स का मान रखिए माइनस छ माइनस चार वाई बटा तीन माइनस वाई बराबर नौ, तीन गुणा में तीन बटा में कट जाएंगे, तो तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन, तो कोष्ठक के अंदर जो बचा है उसको लिख लीजिए माइनस छ माइनस चार वाई माइनस का वाई बराबर नौ, माइनस छ माइनस चार वाई माइनस का वाई बराबर नौ, माइनस छः भेज देंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस चार वाई माइनस वाई तो माइनस पाँच वाई हो जाएगा, क्योंकि ये एक वाई है तो चार में एक जुड़ेगा पाँच वाई, तो माइनस का पाँच वाई बराबर नौ प्लस छः, छः प्लस चला गया, नौ छः जुड़ेंगे कितना आएगा पंद्रह, माइनस पाँच प्लस माइनस पाँच गुणा में है तो ये बटन चला जाएगा, पाँच से काट दीजिए पाँच एक पाँच पाँच तीन पंद्रह, तो वाई बराबर माइनस तीन, अब वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर समीकरण तीन उतार लीजिए, एक्स बराबर माइनस छ माइनस चार वाई बटा तीन, माइनस छ माइनस चार गुणे माइनस तीन बटा तीन, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो एक्स बराबर माइनस छ माइनस माइनस प्लस चार तीन बारह, तो बारह बटा तीन, तो बारह छः दोनों घटेंगे अलग अलग चिन्ह के हैं, तो बारह छः गए छः बटा तीन, तीन से काट दीजिए तीन कम तीन, तीन दो छः, तो एक्स बराबर दो, अतः एक्स बराबर दो वाई बराबर माइनस तीन आंसर। नोट कर लीजिए, यदि आप लोगों को मेरे द्वारा समझाए गए सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, यदि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएंगे और आप लोग उसको देख करके फ़ायदा उठा लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, और मेरे वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरी वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद जय भारत।